नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों का। गैंगस्टर रवि पुजारी को 2016 में गदरी रेस्टोरेंट फायरिंग मामले में 9 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मालूम हो कि रवि पुजारी छोटा रावण का करीबी रह चुका है। बाद में वह अलग होकर विदेश में रहते हुए मुंबई में वसूली का गिरोह बनाकर दहशत फैला रखा है। मुंबई में ही रवि पुजारी पर 49 से अधिक मामले भी दर्ज है। कर्नाटक की अदालत से मुंबई पुलिस को गैंगस्टर रवि पुजारी को हिरासत की मंजूरी दिए जाने के बाद मंगलवार की सुबह मुंबई कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 9 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद मुंबई पुलिस रवि पुजारी की स्वास्थ्य जांच कराएगी, उसके बाद लॉकअप में लेकर जाएगी। मालूम है कि पिछले 15 सालों से फरार चल रहे गैंगस्टर रवि पुजारी को पिछले साल फरवरी माह में पश्चिम अफ्रीका के सेनेगल से गिरफ्तार किया गया। मूल रूप से कर्नाटक के उड़प्पी निवासी रवि पुजारी विदेश में रहते हुए मुंबई के बॉलीवुड की हसियों, व्यवसायियों और आदि को टारगेट करते हुए वसूली का रैकेट चलाता है। मुंबई में उसने गिरोह बनाकर बॉलीवुड में दहशत फैला रखा था। गैंगस्टर रवि पुजारी पर हत्या कराने, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में वसूली करने कराने समेत कई मामले भी दर्ज है। माना जाता है कि छोटा राजा का करीबी रह चुका रवि पुजारी साल 2000 में अलग होकर अपराध का अपना कारोबार शुरू कर दिया था। तो इतना आज खास खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ।